एमपी के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा आयोजित की जा रही है, जहां इस यात्रा के सह प्रभारी बनाए गए अजा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर भी लगातार यात्रा के साथ चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही सावन सोनकर यात्रा में शामिल लोगों की हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, साथ ही यात्रा को सफल बनाने और यात्रा संबंधित प्रबंध के लिए भी तन मन से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा, अलग अलग हिस्सों से निकल रही समरसता यात्रा, यात्रा को सफल बनाने में जुटे सह प्रभारी सावन सोनकर। संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास के भव्य मंदिर का निर्माण सागर के बड़तुमा में किया जाएगा। यह मंदिर पूरे प्रदेश के नागरिकों और समाजों को एक सूत्र में पिरोने के लिए अनोखी मिसाल पेश करेगा। मध्य प्रदेश शासन ने इस समरसता के संदेश को प्रसारित करने के लिए 5 जिलों से 25 जुलाई को समरसता यात्राएं शुरू की हैं, जहां मालवा निमाड़ से निकल रही यात्राओं की जिम्मेदारी सह प्रभारी सावन सोनकर को सौंपी गई है। वहीं सोनकर पूरे तन मन से यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। यहां सोनकर का मैनेजमेंट यात्रा में शामिल लोगों के साथ ही सत्ता और संगठन के दिग्गजों को भी खूब पसंद आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा आयोजित की जा रही है, जहां इस यात्रा के सह प्रभारी बनाए गए सावन सोनकर भी लगातार यात्रा के साथ चलते नजर आ रहे हैं। साथ ही सावन सोनकर यात्रा में शामिल लोगों की हर सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, साथ ही यात्रा को सफल बनाने और यात्रा संबंधित प्रबंध के लिए भी तन मन से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।